जैन साथियों, कैसे आपसे मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ दोस्तों। जिन मेरे फ्रेंड्स ने DRDO सेप्टेम ए एंड ए का दोस्तों पेपर दिया है, दोस्तों आपका रिजल्ट अभी अनाउंस हो गया है। हाँ जी दोस्त, सही सुना आपने, आपका दोस्तों रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो गया है। आपको अपना रिजल्ट दोस्तों कैसे चेक करना है, कट ऑफ क्या रहा है, हम सारे दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं कजा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपने गूगल ऑन कर लेते हैं हम एक बार। तो दोस्तों, मैं अभी गूगल पे आ गया हूँ। यहाँ फिलअप करना है आपको sarkaririzult.com। दोस्तों, अगर कोई साइट ओपन कर लेनी है तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने गूगल सर्च पे क्लिक कर लिया है, नीचे आइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सरकारी रिजल्ट ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों, मैं सेकेंड लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप साइट देख रहे हो दोस्तों, एक ऑफिशियल साइट है, आपको इस साइट के ऊपर आ जाना है। मैं फ्रेंड्स आपको इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके साइट पे आ पाओगे, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट रिजल्ट है, DRDO सेप्टेम ए एंड ए रिजल्ट 2020। दोस्तों, ये रिजल्ट आपका अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है, मैं आपको सबसे पहले न्यूज दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है, सबसे पहले न्यूज पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए DRDO सेप्टेम रिजल्ट, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट है, DRDO सेप्टेम ए एंड ए वेरियस पोस्ट रिजल्ट 2020। तो दोस्तों, नीचे आ जाते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी दोस्तों 224 आपके यहाँ पे, इसमें दोस्तों काफी पोस्ट दी गई हैं। नीचे आ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंस लिंक्स पे डाउनलोड रिजल्ट। दोस्तों, आपको इस साइट पे आके नीचे मिलेगा डाउनलोड रिजल्ट पे, क्लिक हेयर के सामने यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लिक हेयर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो मैंने क्लिक कर लिया दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्टेटस फॉर प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट। दोस्तों, आपके जो यहाँ पे नाम आए हैं दोस्तों, जो आप मेरिट लिस्ट में हो तब उनके नाम आए हैं यहाँ पे, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं इस पेपर में CBT 1 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन। फ्रेंड्स, एक ऑफिशियल साइट है, मैं दोस्तों साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके अपने इस पे क्या कहते हैं रिजल्ट वाली साइट पे आ पाओगे, डायरेक्ट इस पेज पे आ पाओगे आप, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड पोस्ट नेम आपको दोस्तों यहाँ पे दी गई है, ठीक है? अगर आपने दोस्तों सेक्रेटरी असिस्टेंट का पेपर दिया है दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करोगे सामने वाले लिंक पे। अगर दोस्तों फायरमैन का रिजल्ट आपको चेक करना है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो मैं फायरमैन पे क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, दोस्तों आपने कौन सी पोस्ट अप्लाइड की थी गाइज पेपर देते वक्त। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे वो फिलअप करनी है, तो यहाँ पे मैं कोई भी आप चूज कर लेना, ये नहीं कि आपको फायरमैन ही करना है। आपने दोस्तों कौन सी पोस्ट फिलअप की थी, आपको यहाँ पे वही फिलअप करनी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे दोस्तों अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप कीजिएगा। और दोस्तों थर्ड नंबर पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, आपको यहाँ पे वो फिलअप करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड, दोस्तों आपको कैप्चा कोड डाल देना है, जैसे कि 9/5/2014 आपको यहाँ पे वो मतलब फिलअप कर लेना है, ठीक है? ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है ये, प्लस सिंपल सिंपल स्टेप है दोस्तों, आप इसको आराम से कर लोगे। आपको दोस्तों फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% सोल्यूशन दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको कुछ भी डाउट लगे वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। आपको कुछ भी बात मुझसे पूछनी हो, आपको कुछ भी सुझाव हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स? और जिन मेरे फ्रेंड्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाइयां।